हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ फिर से एक बार जावा क्लास 12th आईएससी आपके लिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे और बुलियन लॉस पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की, या आइडेंटिटी लॉ भी कहा जाता है इसको। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? ए प्लस जीरो ए देता है और ए डॉट जीरो जीरो देता है। ठीक, ए प्लस जीरो ए देगा, ए डॉट जीरो जीरो देगा। ये हो गया आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है आपका? प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है? ए प्लस वन वन देता है और ए डॉट वन ए देता है। ठीक, अब ये दोनों को ही आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। आप इनको साथ में भी पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन। ठीक, अब ट्रुथ टेबल भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रुथ टेबल पूछ लिया जाता है कि इस लॉ को आप प्रूफ करिए विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो कैसे प्रूफ करेंगे आप? ए लीजिए और जीरो लीजिए जैसे, तो यहाँ पे ए प्लस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा और यहाँ वन आएगा। अब इसमें फिर से ए और जीरो हमने लिया, जीरो इंटू जीरो जीरो देगा, वन इंटू जीरो जीरो देगा। तो ये ट्रुथ टेबल की मदद से हमने प्रूफ कर लिया। अब हम वन वाला देखते हैं प्रूफ करना कैसे। जीरो ले लीजिए और वन में वन ही रहेगा सारे। ठीक, तो ए प्लस वन वन और ये भी वन। ए डॉट वन जीरो इंटू वन क्या होगा? जीरो, और वन इंटू वन वन होगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? ए प्लस ए बी ए देगा और ए डॉट ए प्लस बी क्या देगा? ए देगा। सिंपल से समझिए, अगर ए प्लस ए बी है जो दो है, ठीक, जो दो है वो एब्जॉर्ब होगा, छोटा वाला गायब हो जाएगा, मतलब जो कम है वो गायब हो जाएगा और ए प्लस ए बी ए देगा। ठीक, अब देखिए ट्रुथ टेबल से मैं आपको यहां देखिए प्रूफ करा रहा हूं, ए प्लस ए बी ए देगा। ठीक, अब आप बोलेंगे नीचे वाला ए डॉट ए प्लस बी ये भी ये देता है, इसको मैंने ट्रुथ टेबल से यहाँ प्रूफ क्यों नहीं करके दिखाया? इसको आप खुद से करके देख लीजिए, आएगा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी होती है, आपको आपसे आप क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक ही ट्रुथ टेबल यहाँ क्यों करके दिखाई। ठीक, अच्छा अगला देखिए आइडमपोटेंस लॉ क्या होता है। आइडमपोटेंस देखिए, ए प्लस ए ए होता है और ए डॉट ए भी ए होता है। समझे आप? ए प्लस ए ए होगा, ए डॉट ए भी ए होगा, करके दिखाता हूं। ए लिया जीरो वन, फिर से ए ही लेना है तो ये भी जीरो वन। ए प्लस ए कहते जीरो प्लस जीरो जीरो रहेगा और वन प्लस वन वन रहेगा। तो देखिए आया ए प्लस ए ए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बस अब यहाँ पे अगला देखिए इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? ए इनवर्स, इस ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है। कैसे? देखिए ए जीरो वन, ए का इनवर्स लिया क्या होगा? वन जीरो। फिर से इसका इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से ए ही तो आ गया, बस यही तो बता रहे हैं। अगला होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, या इसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ए प्लस ए इनवर्स वन देता है और ए डॉट ए इनवर्स जीरो देता है। कैसे? देखिए ए लिया, ए इनवर्स लिया, जीरो वन वन जीरो, ए प्लस ए इनवर्स कर दीजिए, देखिए दोनों वन हो गया। ठीक, ए डॉट ए इनवर्स कर दीजिए, देखिए दोनों में जीरो प्रेजेंट है, वो जीरो हो गया। ठीक, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ मैथ्स में पढ़ा हुआ है, सेट्स में पढ़ा है हमने। क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और इसी का दूसरा होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। यहां देखिए ए बी लिया, ए प्लस बी लिया, पहला जीरो बाकी सारे वन। बी प्लस ए क्या होगा? पहला जीरो सारे वन, आगे बराबर। दूसरा वाला भी आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी सेट्स में पढ़ के रखा है आप लोगों ने। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? चलिए हम बताते हैं। ए प्लस, अगर ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, मतलब चाहे दूसरा तीसरा जोड़ के उसमें पहला जोड़ दो या पहला दूसरा जोड़ के उसमें तीसरा जोड़ दो, दोनों बराबर होते हैं। यही एसोसिएटिव लॉ है। इसी से निकल के एसोसिएटिव लॉ से आता है दूसरा एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? ए डॉट बी सी इक्वल्स टू ए बी डॉट सी। ठीक, मल्टीप्लाई में भी वही होता है, इसको भी ट्रुथ टेबल से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये बराबर होगा, जो सिंगल होगा वो दोनों ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी। अब देखिए दूसरा क्या है? ए प्लस बी सी है अगर, तो वो क्या होगा? ए प्लस बी
एक ब्रैकेट में और ए प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला डिमॉर्गन्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ, बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ के लिए एक चीज याद रखिएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्या? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन स्टूडेंट्स एंड चेंज द साइन। क्या है? ए प्लस बी का इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, ठीक। ए डॉट बी का इनवर्स क्या आएगा? ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। यहां देखिए, इसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, गुड। अगली चीज देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, इसी चीज के बारे में कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या कहता है कि फॉर एवरी बूलियन एक्सप्रेशन देयर एग्जिस्ट अनदर, मतलब हर एक बूलियन एक्सप्रेशन के लिए एक और उसका जुड़वा कह सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है जावा में या कंप्यूटर में, ठीक। वो कैसे आएगा बूलियन अलजेब्रा में, हर एक लॉ का मतलब हर एक बूलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन का एक और डुअल कैसे मिलेगा आपको? आप जितने जीरो हैं उनको वन कर दीजिए, जितने वन हैं उनको जीरो कर दीजिए, प्लस को डॉट बना दीजिए और डॉट को प्लस बना दीजिए। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, और ये 2 मार्क्स में आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है, तो आपको ये याद करना है, ये एज इट इज इतना लिखना है, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, मैंने आपसे कहा था ना जब आप प्रूफ कराऊंगा आपको सब समझ आए। कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ क्या था? ए प्लस ए इनवर्स 1 देता है, क्या हुआ? ए डॉट ए इनवर्स 0 दिया, 1 का 0 कर दिया, प्लस का डॉट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट से कोई मतलब नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल मत छेड़िएगा, मतलब सिंपल को कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को सिंपल मत करिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कॉम्प्लीमेंट या उस पर कुछ नहीं कहता है, ठीक। अच्छा अब देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो आपको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी पूछ सकते हैं, दूसरा आपको 2 ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दे देंगे और उनका डुअल निकालने को बोलेंगे। तो आप कैसे डुअल निकालेंगे? ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक की रख रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।